नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बिहार के शिवहर जिला में नल जल योजना के पैसे का गमन और दबंगई दिखाई जा रही है। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि नल जल योजना के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। देखिए, बिहार के शिवहर जिला के जहांगीरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में हर घर नल जल योजना के अंतर्गत पानी टंकी का निर्माण आज से 4 साल पहले वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के द्वारा करवाया गया था, लेकिन अभी तक किसी के घर पर पानी नहीं पहुंच पाया है। वहां के ग्रामीणों ने बताया कि आज तक हम लोगों को इस पानी टंकी द्वारा कभी भी शायद पानी मिल पाता। उन लोगों का कहना है कि नल जल के नाम पर काफी बड़ा घोटाला हुआ है। उन ग्रामीणों का कहना है कि वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव दोनों ने मिलकर नल जल के पैसों का घोटाला कर गए। 4 साल हो गए, अभी तक चालू नहीं हुआ है। बोलने पर बोलते हैं कि आप सब लोग 400-400 रुपए खर्च कीजिए, तब होगा। ग्रामीण उनसे शिकायत करते हैं तो वार्ड सदस्य गाली गलौज देना शुरू करते हैं। बस हम लोगों को डर से चुप रहना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। नहीं किए हैं यहाँ के वार्ड मेंबर का नाम क्या हुआ? जयलाल राम। ये काम किसने करवाए थे? वार्ड सचिव करवाए थे। वार्ड सचिव का क्या नाम हुआ? वार्ड सचिव बने गुंजा देवी। अच्छा, देखिए, ग्रामीणों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है कि वार्ड सचिव और वार्ड मेंबर के द्वारा जो काम करवाया गया और ये काम तकरीबन 4 साल पहले किया गया और कभी भी इसमें के यहाँ के स्थानीय निवासी कभी पानी का प्रयोग नहीं किए और न ही इसका उपयोग किए, जस की तस रहते हैं। इसकी कभी पूछताछ की है ग्राम वार्ड मेंबर के द्वारा आप लोग? नहीं, तो हम वार्ड मेंबर को कहते हैं लगाने के लिए, तो न वो पाइप डालता है, न नल लगाता है, न टोटी लगाता है, कुछ भी नहीं लगाता, पूछते रहता है। तो कहता है कि 200-400 रुपया अपना लगा के बना लो। अच्छा, और गाली गलौज करने लगता है। गाली गलौज भी करता है। जो यहाँ ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि ये पूछताछ करने पे वो गाली गलौज भी स्थानीय निवासी से करते हैं और यहाँ बोला जाता है कि आप अपना पैसा खुद लगाकर यहाँ किया जाए। ये आप बताएं कि जिनके पास कल नहीं होगा, यदि कल नहीं है, ये नल जल की योजना सरकार लगाई है, यदि ये पानी न निकासित हो तो गरीबों लोग यहाँ के पानी कैसे पी पाएंगे, बताइए। ये नतीजा है नल जल महामारी फैला हुआ है, कुएं का पानी, पोखर की पानी पी रहा है लोग, नल जल की पानी नहीं पी रहे हैं, बंद है। जब से जल गया हुआ है, वार्ड सचिव वार्ड मेंबर लोग जलाकर मरे राख कर दिए हुए, पैसे सारे खेत जमीन लिखा लिए, पब्लिक पैसे महामारी में मर रही है। तो ये दशा है नल जल योजना की। देखिए, ये तकरीबन 4 साल पहले तैयार किया जाता है, आज तक एक भी पानी इसमें से निष्कासित नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर विष्णु कुमार सिंह, एचबीएन न्यूज़ शिवहर। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।